आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तुला संक्रांति कब है, अर्थात सूर्य तुला राशि में कब प्रवेश करने वाले हैं और 12 राशियों पर इसका क्या असर होने वाला है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर देश और दुनिया पर दिखाई देता है। साथ ही 12 राशि वालों के जीवन में भी बड़े बदलाव होते हैं। सूर्य ग्रह नेतृत्व क्षमता, पिता, अधिकारी वर्ग, यात्रा, नाम, यश आदि के प्रतिनिधित्व करता है। 2022 में 17 अक्टूबर को लगभग रात्रि को 7:08 पर सूर्य कन्या राशि से निकल के तुला राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर पहले से ही केतु ग्रह मौजूद हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण का योग भी बनेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति भी कहते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के तुला राशि में गोचर का प्रभाव 12 राशियों पर क्या होने वाला है। मेष राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतना होगी, क्योंकि आपके कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य नीच के होंगे और ग्रहण योग भी बनेगा, जिससे आपके संबंध करीबियों से बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, कब्ज की शिकायत बढ़ सकती है। जो लोग शेयर बाजार या सट्टा बाजार में काम करते हैं, उन्हें बड़ी हानि भी हो सकती है। विद्यार्थियों को पहले की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करना होगी। मेष राशि के अगर प्रेम जीवन की बात करें तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं अपने प्रेमी के साथ, ब्रेकअप भी हो सकता है, अतः सावधानी बरतें। वृषभ राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य की तुला राशि में गोचर से वृषभ राशि वालों को कानूनी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो धन वापस लेने में परेशानी आ सकती है। वाहन और मकान के रख रखाव में धन अधिक लग सकता है। यात्राओं में धन व्यय हो सकता है। वृषभ राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। कभी संबंध बहुत अच्छे बनेंगे अपने प्रेमी के साथ, तो कभी गलत फहमियों के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। मिथुन राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य की तुला राशि में गोचर से मिथुन राशि के लोगों के संबंध संतान से बिगड़ सकते हैं, या फिर संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। जो लोग शेयर बाजार या सट्टा बाजार में काम करते हैं, उन्हें सावधानी से काम करना होगा, अन्यथा बड़ी धनहानि हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगी। मिथुन राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो आपको काफी परेशानी आ सकती है, गलत फहमियों के कारण संबंधों में खटास भी आ सकती है, अतः ध्यान रखें। कर्क राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से कर्क राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक जिम्मेदारियों के कारण मन परेशान रह सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वाहन दुर्घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं, अतः गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। कर्क राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेम संबंध में मधुरता को बनाए रखने के लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा अपने व्यवहार पर। सिंह राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से सिंह राशि के लोगों को अपने पराक्रम का इस्तेमाल करने में परेशानी आ सकती है। आपका गुस्सा बढ़ेगा बहुत ज्यादा, आप क्रोध करने लगेंगे, परिवार में कलह के कारण परेशानी बन सकती है, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को किसी भी यात्रा से बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी अपेक्षा से ज्यादा धन खर्च हो सकता है। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए समय सामान्य रहेगा। कन्या राशि
17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से कन्या राशि के लोगों को अब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपका गुस्सा बढ़ेगा, जिससे छोटी छोटी बातों पर आप बहस भी कर सकते हैं। अनावश्यक यात्राओं में खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर अधिक दिखावे में धन खर्च हो सकता है। आपके जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अतः आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आप पहले से अधिक व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग पहले से अधिक सक्रिय हो जाएगा। कन्या राशि के लोगों को अपने साथी का भावनात्मक साथ मिलेगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा। तुला राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से तुला राशि के लोगों के जीवन में काफी उथल पुथल हो सकती है। आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, अधिकारी वर्ग से संबंध बिगड़ सकते हैं, आपको अपनी मेहनत का सही लाभ नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन आ सकता है, परंतु संघर्ष के बाद आपके रुके काम पूरे जरूर होंगे, अतः ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी पे भी आपको अंधा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा धोखा मिल सकता है। तुला राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो अगर आप शांति से निर्णय लेंगे तो सब कुछ सामान्य चलेगा। उत्तेजना से अपने आप को बचाए रखें और व्यवहार करते समय अपने गुस्से पे काबू रखें। वृश्चिक राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से वृश्चिक राशि के लोगों के खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, विशेषकर यात्राओं में या फिर कानूनी कार्यों में ज़्यादा खर्च हो सकता है। अकस्मात कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, परंतु आय से अधिक खर्चे आपका इंतजार करेंगे, अतः ध्यान रखें। नेत्र से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है और नींद में कमी आ सकती है। वृश्चिक राशि के लव लाइफ की बात करें तो सामान्य रहेगा, कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। धनु राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से धनु राशि के लोगों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहले से अधिक मेहनत करना होगी। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु आपको किसी की सहायता से अपने रुके कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा। जो लोग शेयर बाजार या सट्टा बाजार में काम करते हैं, उन्हें अब संभल कर निर्णय लेना चाहिए। धनु राशि के लव लाइफ की बात करें तो आपको अब संभल के व्यवहार करना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा ब्रेकअप भी हो सकता है। मकर राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से मकर राशि के लोगों के ऊपर अनावश्यक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अधिकारी वर्ग से संबंध बिगड़ सकते हैं, बदनामी भी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं। मकर राशि के लोगों को प्रेम जीवन में संकटों का सामना करना पड़ सकता है, अतः ध्यान रखें। कुंभ राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से कुंभ राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, खाने पीने में शुद्धता का ध्यान रखें, अन्यथा फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, धर्म और सामाजिक कार्यों में अपेक्षा से ज़्यादा खर्च हो सकता है। कुंभ राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, जो लोग प्रेमी की तलाश में हैं उन्हें मिल सकता है, जो लोग संबंधों को सुधारना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा। मीन राशि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से मीन राशि के लोगों के जीवन में अचानक से बदलाव होंगे, कभी लाभ तो कभी हानि से गुजरना पड़ सकता है। अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, परंतु आपको यात्राओं को टालना चाहिए, अन्यथा काफी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। मीन राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो समय अच्छा रहेगा, आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, जो लोग किसी साथी की तलाश में हैं उन्हें भी लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 17 अक्टूबर 2022 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से 12 राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं। इस वीडियो की पूरी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इस चैनल में अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।